हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ तड़के वाली दाल, मसूर की दाल, जो बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही चटपटी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना किसी झंझट के। तो यहाँ पर मैंने ली है गाइस इस कटोरी के नाप से मसूर की दाल। तो मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। तो यहाँ पर एकदम साफ़ सुथरी दाल है, ये बाज़ार से बड़ा इजली मिल जाती है। तो आपको भी एक कटोरी दाल लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 2 बड़े प्याज, जिनको मैंने लम्बा लम्बा कट किया है। और यहाँ पर लिया है मैंने लहसुन, इसको मैंने बहुत पतला पतला कट किया है। और थोड़ा सा मैंने लिया है यहाँ पे हरा धनिया, इसको भी मैंने कट करके रख लिया है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है 1 बड़ा टमाटर, 4 हरी मिर्च, इन सबको भी मैंने कट करके एक प्लेट में साइड में रख लिया है गाइस। तो अब हमें क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में हम डालेंगे दाल को धुल के अच्छे से। दाल को आपको बहुत अच्छे से साफ़ पानी में धुल लेना है और इस कढ़ाई में अच्छे से डाल देना है। तो यहाँ पर सारी दाल मैंने डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, हम डालेंगे इसमें 4 कटोरी पानी। जिस कटोरी के नाप से हमने दाल ली थी उसी कटोरी के नाप से हमें इसमें पानी डालना है। अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, हरा धनिया, गरम मसाला और यहाँ पर हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें। यहाँ पर पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी पतली दाल बनानी है। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर और हरी मिर्च, वो भी हमने डाल दी है। टमाटर हरी मिर्च डालने के बाद हम डालेंगे इसमें ऊपर से तेल। तो यहाँ पर आप तेल या रिफाइंड का यूज कर सकते हैं, जो आपको ऊपर से डालना है। अब हम इसको ढक के रख देंगे। मैं इसको ढक देती हूँ और हम इसको चेक करेंगे 10 मिनट के बाद। तो गैस यहाँ पर 10 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं दाल में उबाल आ चुका है। मैं इसको चला देती हूँ अच्छे से। यहाँ पर जो गैस की फ्लेम है मैंने मीडियम की हुई है अभी। मैं इसको फिर ढक दूँगी 10 मिनट के लिए दोबारा से। फिर हम इसको 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट फिर से हो चुके हैं, आप देख सकते हैं गाइस। ऑलमोस्ट जो हमारी दाल है मसूर की, वो एकदम मिक्स हो चुकी है पानी में। बिल्कुल अलग अलग नहीं है कि पानी अलग दाल अलग अलग, एकदम ये इसमें मिक्स हो चुकी है। मैं इसको चला देती हूँ पहले अच्छे चमचे से। मैंने जो दाल बनाई है गाइस थोड़ी पतली बनाई है। अगर आपको थोड़ी थिक रखनी है तो आप इसमें 1 कटोरी पानी कम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो हमारी दाल थी मसूर की, ये मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ गाइज़, अगर आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग की दाल थिक बनाई है तो आप उसको उतना ही पकाना। क्योंकि मैंने दाल पतली बनाई है तो मैं इसको बार बार ढक रही हूँ 10-10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जो गाइज़ दाल है हमारी बनकर एकदम इतनी तैयार हो चुकी है। मैं इसको साइड में रख देती हूँ। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। मैंने बहुत ही पतली दाल बनाई है। अब हमें एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो मैं इसको पहले गरम होने देती हूँ। जब ये गरम हो जाएगी हम इसमें ऊपर से तेल या रिफाइंड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चमचा डाला है तेल। तेल जब हमारा ये गरम हो जाएगा हम डालेंगे इसमें जीरा। तो यहाँ पर मैंने जीरा भी डाल दिया है। जीरा गरम होने के बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन, जो मैंने पतला पतला काट के रखा हुआ था। यहाँ पर गैस की फ्लेम मैंने गैस बिल्कुल लो की हुई है। लहसुन के ब्राउन होने के बाद हम डालेंगे इसमें कटा हुआ प्याज, जो मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस काट के रखी हुई थी पहले से ही। तो सारा प्याज हम इसमें डाल देंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने सारा प्याज डाल दिया है, आप देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से चलाएँगे प्याज को। और यहाँ पर गाइस जो गैस की फ्लेम है आपको लो ही रखनी है, बिल्कुल भी हाई या मीडियम फ्लेम पर नहीं करना है, वरना ये जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं तेल कितनी अच्छे से गर्म है, जो ये प्याज डालते ही एकदम ब्राउन ब्राउन हो चुका है। तो जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा हम तड़का लगा देंगे दाल में। तो ये यहाँ पर ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से हरा धनिया, जो मैंने पहले ही कट करके रखा हुआ था। तो हरा धनिया भी मैंने डाल दिया है। इसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 या 2 सेकेंड के लिए पकाना है। तो चलिए गाइस तड़का लगाते हैं दाल में। दाल मैंने साइड में रखी हुई है। तो यहाँ पर हम ऊपर से इसको पहले चला देंगे अच्छे से, ताकि पानी इसमें मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं दाल कितनी अच्छी तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए गाइस मैं इस दाल में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर इसको चलाने के बाद हम इसमें तड़का लगा देंगे। तो इसको मैं उठा लेती हूँ साइड से। तो यस, आपको इस तरीके से तड़का लगाना है ऊपर से। आप देख सकते हैं दाल देखने में कितनी यमी और स्पाइसी लग रही है। ये खाने में बहुत ही यमी लगती है गाइस, बहुत ही चटपटी, एकदम तीखी तीखी। तो गाइस होप आपको रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जल्दी मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक आप दाल को एंजॉय करें।